चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें और ये रेसिपी कैसी लगी कृपया मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज हम लोग गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये 500 ग्राम खोआ लिया है। ये मैंने घर में ही तैयार किया है खोआ, और ये 800 ग्राम चीनी है, और ये काजू और बादाम को मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और ये 75 ग्राम मैदा है। इसकी जगह आप आरा रोट भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग एक बड़ा टोपिया लेंगे और इसमें 2 कप यानी हाफ लीटर पानी। अब इसमें हम लोग ये 800 ग्राम चीनी डाल देंगे और इसको हम लोग लगातार चलाते रहेंगे। इसमें हम लोग ये थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे जिससे कि हमारे चाशनी का कलर बहुत सुंदर आ जाएगा। हमारी चाशनी अब तैयार हो रही है। इतनी देर हम लोग ये इसमें खोआ को जरा हम लोग चिकना बना ले रहे हैं। इसमें हम ये 75 ग्राम मैदा डाल ले रहे हैं और इसको हम लोग मसल लेंगे, पूरा चिकना बना लेंगे। इसको हम लोग ये हथेलियों की सहायता से इसको हम लोग एकदम अच्छा डोर तैयार कर लेंगे, एकदम चिकना डोर तैयार कर लेंगे। अब हम लोग अपनी चाशनी को एक बार चेक कर ले रहे हैं। इसको ठंडा ठंडी होने पर ये देखिए, ये हमारे अंगूठों पर जरा चिकनाहट आ गई है। ये यानी हमारी चाशनी अब तैयार है। इसे हम लोग तार बनने नहीं देंगे, खाली हम लोग के अंगूठा से जरा सी चिकनाहट पैदा हो जानी चाहिए। हम चिकनाहट लग रही है यानी हमारी चाशनी अब एकदम तैयार है। अब इसमें हम लोग ये थोड़ा सी इसमें हम लोग इलायची दाना गिर देंगे। इसमें हम लोग इलायची पाउडर दे दिए हैं। अगर आपकी चाशनी अगर गाढ़ी हो जाए, जरा इसके ऊपर में परत जमने लग जाए, तो आप जरा सा पानी डालकर इसे फिर एक उबाल लेकर इसे अपने फिर वैसी चाशनी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये डो तैयार हो चुका है। देखिए एक ठो एकदम चिकना डो तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा हम लोग इसमें ये डाल के ये इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे और इसको हम लोग ऐसे मैश कर लेंगे कि गुलाब जामुन में ये हम लोग इसमें स्टफ करेंगे। इसका क्रंची फ्लेवर गुलाब जामुन में बहुत अच्छा लगता है। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अपने मन पसंद के आकार का ये ऐसे तोड़ लेंगे
और इसमें हम लोग ये थोड़ा सा इसमें भर के और इसे ऐसे बंद कर देंगे और एक चिकना इसके ऊपर में एकदम चिकनी गोली बना लेंगे इसकी हम लोग। इसमें जरा से भी दरार नहीं रहनी चाहिए। इसको हम लोग तेल हमारा गरम हो चुका है, एक बार हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि हमारा तेल गरम है कि नहीं। ये हमारा नीचे से ऊपर आ गया है, यानी हमारा तेल पूरा अच्छी तरह से गरम है। इसमें हम लोग करी गुलाब जामुन डाल देंगे। हम लोग तेल उतना ही डालेंगे जितना हमारा ये पूरा गुलाब जामुन पूरा तेल में अच्छी तरह से पूरे डूब जाए। और इसे हम लोग खाली ऐसे ऐसे करके ही हम लोग इसे तलते रहेंगे। ये हमारा गुलाब जामुन सीख चुका है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारे गुलाब जामुनों का। अब हम लोग इसे गरम गरम चाशनी में इसे डुबो देंगे तेल को छान कर पूरी अच्छी तरह से। और हम लोग ये इसमें पूरा चाशनी में डुबो देंगे। अब हम ऐसे ही हमारे सारे गुलाब जामुन ऐसे ही हम लोग तैयार कर लेंगे अपने। और इसे हम लोग ऐसे डुबा कर अब इसे हम लोग ढक देंगे और ऐसे ही हम अपने सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। ये हमारा बाकी का तैयार हो चुका है, इसे भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम लोग अब ऐसे ही तेल छान कर इसे चाशनी में डुबा देंगे। एक गुलाब जामुन सिकने में हमारा 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। देखिए हमारे कितने आसानी से गुलाब जामुन बनकर घर में तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम लोग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद में ये हमारे खाने लायक बनेंगे और ये गुलाब जामुन जो है पूरा रस सोख लेगा।